ओके, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरे ख्याल से आप लोग मस्त हैं, बिंदास हैं और स्वस्थ हैं। चलिए, आज हम लोग, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके हमने कुछ क्वेश्चन लेने थे। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया था। मैंने आपको बताया था कि प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जब आपका पार्टिकल कोई ऊपर से गिरता है या फिर आप उसको थ्रो कर रहे हो, इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो उसके ऊपर हम ऐसा मान के चलते हैं कि हम उसके ऊपर एक कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन होगा, मतलब यूनिफॉर्म एक्सलरेशन होगा। और अगर यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है तो उस केस में हम लोग उसको, वी कैन अप्लाई ऑल दी थ्री इक्वेशंस। कौन कौन सी इक्वेशन? वी इक्वल टू ए प्लस ए टी, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये हम इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? ओके सर, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को समझते हैं। आगे की कहानी कुछ ऐसी है प्यारे बच्चों। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आप एक पर्टिकुलर सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, मतलब व्हाट डज दैट मीन। जैसे मैं कहूँ आपने यहाँ से टी इक्वल टू जीरो से आप स्टार्ट हुए और टी इक्वल टू 10 सेकंड तक आपने कोई जर्नी या कोई पार्टिकल या किसी मास ने कोई ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किसी स्पीड से चला, कुछ एक्सेलरेशन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों कहानी हो सकती है। तो पूछा जाए कि हम पर्टिकुलर सेकंड में अगर एक्सेलरेशन नहीं है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, तो उस केस में तो जितना पहले सेकंड में चलेगा उतनी ही दूसरे में, उतना ही तीसरे में, उतना ही चौथे सेकंड में चलेगा। लेकिन अगर वो गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है या डी एक्सेलरेट हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट, वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट और वो बॉडी, उसको पार्टिकल, जब जो भी चीज़ है आपकी, तो उस केस में प्यारे बच्चों, उस केस में अगर हमसे पूछा जाए कि पर्टिकुलर सेकंड में कितना चला ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सेकंड, मतलब उस एक सेकंड में कितना चला, जैसे टी इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया मैंने, चलना शुरू हुआ, उसकी स्पीड सपोज करो एक्सेलरेट हो रहा है, तो पहली एक सेकंड में थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगली एक सेकंड में ज्यादा चलेगा क्योंकि स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है, उससे अगले सेकंड में और ज्यादा चलेगा, उससे एक सेकंड में और ज्यादा चलेगा। तो अगर हमसे किसी पर्टिकुलर सेकंड में पूछ जाए कि इस पर्टिकुलर सेकंड में आपका पार्टिकल कितना ट्रेवल कर रहा है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। हेडिंग लगाइए, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। किसी भी एक सेकंड की बात कर रहे हैं, nth मतलब आपकी दूसरी, चौथी, पांचवी, छठी, कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू, ठीक है। अगर हमें सारी वैल्यूज, हमें v पता है, u पता है, ये सब चीजें गिवन है हमें, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, समझते हैं इस बात को। देखिए प्यारे बच्चों, हमें पता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर होता है, ठीक है, बिल्कुल सर। अगर मैं कहूं ये पार्टिकल टोटल n सेकंड में, या टाइम जो है n सेकंड में, टाइम जो आपका n सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर मैं पूछूं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कहिए डिस्प्लेसमेंट ही बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n सेकंड कितना होगा, n सेकंड्स, तो क्या हो जाएगा बेटा, t की जगह आप n प्लेस कर दोगे, इक्वल टू n, यस और नो। तो यहां पर एस एन, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड कितनी आ जाएगी, u t की जगह पर n रख दीजिए, प्लस 1/2 a n स्क्वायर, बात सही है, बिल्कुल सर, बराबर है कि नहीं। अब आप ऐसा समझिए, एक पार्टिकल है, सपोज करो यहां से यहां तक 10 सेकंड में चला, 10 सेकंड में इतनी डिस्टेंस चला, a से b चला गया, कितने में, t इक्वल टू 10 सेकंड में। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पार्टिकल आपका, अगर जो पार्टिकल है, अगर मैं कहूं ये जो पार्टिकल है आपका 9वीं सेकंड में कितना चला, या 10वीं सेकंड में कितना चला, 10th सेकंड में कितना चला, 9th सेकंड में कितना चला, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं तो आप क्या जवाब देंगे, व्हाट विल बी योर आंसर। तो हम कहेंगे सर आप एक काम कीजिए, टोटल जितना 10 सेकंड में चला है उसको निकाल लीजिए, उसमें से स्टार्टिंग की 9 सेकंड में कितना चला था वो निकाल लीजिए, उसको मैं S9 मान लूं, और टोटल जो डिस्टेंस चला है 10 सेकंड में उसको S10 मान लूं, ठीक है। अगर हमसे कहें कि सर आप ये बताइए 10वीं सेकंड में कितना पार्टिकल ने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो आप क्या कहेंगे कि सर टोटल जितना डिस्टेंस चला 10 सेकंड में वो देख लीजिए,
उसमें से 9 सेकंड में कितना चला था उसको हटा दीजिए, तो बचा हुआ कितना आएगा, ये जो डिस्टेंस है यहां तक सपोज करो, ये वाली डिस्टेंस क्या आएगी, ये आएगी एस टेंथ, मतलब 10वीं सेकंड में कितना चला, करेक्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। चलिए तो वही करने जा रहे हैं कि टोटल 10 सेकंड में टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना चला। मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन है तो आप बाय डिफॉल्ट समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है। मैं मान के चल रहा हूं हम एक स्ट्रेट लाइन के मोशन की बात कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो टोटल 10 सेकंड में कितना चला, उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं टोटल 9 सेकंड में कितना चला था, तो बचा कुचा क्या होगा, 10वीं सेकंड का आंसर मुझे मिल जाएगा कि 10वीं सेकंड में 10th सेकंड में कितना चला पार्टिकल, ठीक है बराबर। तो ये nth सेकंड टोटल, सॉरी ये टोटल n सेकंड में कितना चला, उससे एक कम सेकंड में कितना चलेगा, एस एन माइनस वन बोल दू विल इक्वल टू यू, टाइम कितना हो जाएगा एन माइनस वन, एक सेकंड पहले की बात करूं, प्लस वन अपॉन टू ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। बात सही है भाई, जितना n सेकंड में चला उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट किसको करूंगा, उसमें से एक सेकंड कम वाले को। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई, ये एक सेकंड कम, n सेकंड से एक कम क्या होगा, n माइनस वन, n माइनस वन। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, अगर फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं एस एन माइनस एस एन माइनस वन, तो मुझे ये जो डिस्टेंस मिलेगी वो क्या होगी, सर ये डिस्टेंस वही होगी जो हम 10th सेकंड में चले होंगे। बात सही है कि नहीं, जो हम 10th सेकंड में चले होंगे, ठीक है, मेरे ख्याल से बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सर। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां पर देखें यू एन माइनस यू एन माइनस वन, तो कितना बचेगा यू एन माइनस एन माइनस वन, यहां पर हाफ ए या फिर कहिए ए बाई टू कॉमन ले लेंगे, यहां पर क्या बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल सर। यहां से यू एन माइनस एन माइनस वन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना वन बचेगा खाली, प्लस ए बाई टू, ए बाई टू एन स्क्वायर, इसको जरा होल स्क्वायर को ओपन कीजिए, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, यही होता है हाँ कि ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी, ठीक है। यहां से क्या कैंसिल होगा, एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या माइनस की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 2n और ये जाएगा माइनस में। देखना बेटा डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, th लिख गया मैंने, जिस भी आप सेकंड की बात कर रहे हैं nth सेकंड कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बालक, तो वो हो जाएगी सर nth सेकंड कितनी हो जाएगी एस एन माइनस वन, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, जो कि कितनी आ रही है, उधर क्या बच रहा खाली यू प्लस ए बाई टू, ए बाई टू ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या जाएगा 2n माइनस वन, ठीक है बच्चों 2n माइनस वन। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि भैया nth सेकंड में किसी पर्टिकुलर सेकंड में कितना चलेगा पार्टिकल nth सेकंड में, तो उस पर्टिकुलर सेकंड में जो इतना चलेगा कितना जाएगा u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, इतनी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा पार्टिकल। पहली सेकंड में कितना चलेगा यहाँ पर वैल्यू लिख दो, दूसरे में कितना चलेगा यहाँ पर वैल्यू लिख दो, सीधा फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन आप अपने दिमाग में सोचिए, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है n क्या है यहाँ पर टाइम है बाय द वे, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी और s क्या है डिस्प्लेसमेंट, है ना, स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, थिंक अबाउट इट, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली ठीक है, ये डिस्टेंस है दिस इज वेलोसिटी, थिंक एंड आंसर, क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या गलत है, सोचिए इस बारे में, एक एक दो चार पाँच दस सेकंड का टाइम लीजिए और सोचिए क्या ये डायमेंशनली गलत है या सही है, थिंक अबाउट इट। देखने में बेटा ऐसा लग रहा होगा कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, क्यों, ये तो लग रहा है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा एल, ये क्या है वेलोसिटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एल टी माइनस वन, तीसरा टर्म ये टाइम है एन टाइम है, टू टी क्या हुआ टाइम, टाइम में से वन घटा रहे हैं, ये भी लग रहा हो क्या ये डायमेंशन करेक्ट है कि नहीं है, तो आप कहता तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, डायमेंशन बिल्कुल ठीक है,
अब बच्चों का क्वेश्चन आएगा कहाँ सर, यू यू वी यू क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर डायमेंशनली करेक्ट कैसे है सर, बेटा है यू की मल्टीप्लाई किससे हुई यहाँ पर, वन से। वन क्या था, टाइम था, सेकेंड्स में था, तो ऑलरेडी वेलोसिटी की मल्टीप्लाई टाइम से हो चुकी है, ठीक है, वन सेकेंड से मल्टीप्लाई हो जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ये एक सेकेंड का। यहाँ दिस इज टाइम, ठीक है, और एक्चुअल में और अच्छे से बताऊँ तो ये खाली टाइम नहीं है, एन तो टाइम है, लेकिन जो टू एन जो लिखा हुआ है दिस इज नॉट ओनली द टाइम। तो सर इसमें टाइम का स्क्वायर एक्चुअली, कैसे सर, टू एन टाइम है, हाँ इसकी मल्टीप्लाई वन से भी हुई थी। यहाँ एन और वन क्या थे, दोनों टाइम, तो टाइम और टाइम, टाइम स्क्वायर। तो इसी ये वन क्या, ये भी टाइम का स्क्वायर ही है, ठीक है, वन सेकेंड का स्क्वायर करोगे तो वन ही आएगा। तो सारे के सारे डायमेंशन परफेक्टली करेक्ट हैं, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला, लेट मी टेल यू, ठीक है। मैंने आपको बताया था कोई फॉर्मूला गलत हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन मतलब उसके वैल्यूज आपने आगे पीछे लिख लिए हो, ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ कर दी हो, लेकिन कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट हो ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात, ये कंडीशन है पहले। चलिए मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है प्यारे बच्चों। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से कैन यू फाइंड कि अगर कोई पार्टिकल किसी हाइट से गिर रहा है, कोई मास, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, तो हाउ मच डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इट विल कवर इन फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल, इफ अ बॉडी इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, ठीक है, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कंसेक्यूटिव सेकेंड्स, हम इसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, यहाँ पर पटकी है, अगर ड्रॉप कर रहे हो, फॉल कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो यहाँ से, वेल इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो, समझ में आई बात। तो फर्स्ट सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी कितनी लोगे, जीरो, प्लस ए बाई टू एक्सेलरेशन कितना होता है सर, टेन डिवाइड बाई टू, टू एन माइनस वन, एन के लिए कितनी पुट करोगे, वन, तो टू इंटू वन माइनस वन, 5 और 2 माइनस 1, 1, तो कितना जाएगा बेटा, 5 मीटर। पहले सेकंड में कितना चलेगा, फर्स्ट सेकंड में, या 1 एसटी लिख देता हूँ, फर्स्ट सेकंड में कितना चलेगा, 5 मीटर, ठीक है, ओके सर। दूसरी सेकंड में कितना चलेगा, दूसरी सेकंड में, दो सेकंड में नहीं, दूसरी सेकंड में कितना चलेगा वो देख लेते हैं, कितना चलेगा सर, दूसरी सेकंड में चलेगा बेटा एस इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी रखेंगे, एन की वैल्यू पटक के 2, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेंगे, जीरो ही लेनी है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी, वही इनिशियल वेलोसिटी की बात की हमने। कभी आप सोचो कि एक सेकंड के बाद कितनी जाएगी वो वेलोसिटी लेना, फिर इस फॉर्मूले का कोई फायदा नहीं है। तो जीरो प्लस टेन बाई फाइव, टेन बाई टू, ए बाई टू, एन की जगह कितना, दो सेकंड, टू टू जा फोर माइनस वन थ्री, टू से इसको कैंसिल आउट करो, कितना जाएगा 15, ठीक है। ये बात आप जानते हो, हमने पहले भी कैलकुलेट किया है कि भैया अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है तो पहले सेकंड में 5 मीटर चलता है, दूसरे सेकंड में 15, तीसरे में कितना चलेगा आप यहीं से देख सकते हो, ये तो a बाई टू के लिए 5 आएगी, थर्ड सेकंड में कितना गिरा, 2 3 या 6 माइनस 1 5, 5 इंटू 5 25, ठीक है। ये 2 एन माइनस 1 मैंने आपको बताया ये ओड नंबर टाइप होता है, दिस इज ओड नंबर, आप रख लीजिए वैल्यू, एन के लिए 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, सॉरी 1, एन के लिए पुट करें तो 1, एन के लिए 2 पुट करे तो 3 आया, एन के लिए 3 पुट करोगे तो 5 आएगा, एन के लिए 4 पुट करोगे, 2 4 जा 8 माइनस 1 7 आएगा, 1 3 5 7, और उसकी मल्टीप्लाई a बाई टू से करते रहना, a बाई टू कितना है यहाँ पर 5 है। तो आप देखोगे अगर मोशन अंडर दी फ्री, मतलब ग्रेविटी के अंडर में आपका मोशन हो रहा है तो पहली सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितनी है 5, दूसरे में 15, तीसरे में 25 यानी 25, ठीक है जी। तो आपकी जो डिस्टेंस होगी बेटा कुछ इस तरह की रहेंगी डिस्टेंस ट्रेवल, फर्स्ट सेकंड में 5, एस टू 15, एस थ्री कितनी 25, एस फोर यहाँ से देख लीजिए, एस फोर 2 4 जा 8 माइनस 1 7, 7 5 जा 35, एंड सो ऑन,
ये क्वेश्चन आपके नीट वगैरह में पहले पूछा भी जा चुका है इस तरह के क्वेश्चन कि भैया डिस्टेंस ट्रेवल रेशियो क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। अगर फ्री फॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट रेस्ट से कहीं से गिर रहा है तो पहले 1:2, 3:2, 5:2, 7:9 इस रेशियो में रहेंगे। अब देखो ना इसमें 5 कॉमन है, 1 ये 1, 3, 5, 7 5 के ओड मल्टीपल है, 5 के ओड मल्टीप्लाई पल हैं, फर्स्ट सेकंड में थर्ड में फोर्थ में वगैरह वगैरह। बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से, बात समझ में आ गई होगी, इसे नोट डाउन कीजिए फिर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारी प्यारी बुक अच्छी वर्मा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम एन एलिवेटर, एलिवेटर बोलते हैं लिफ्ट को, गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए, द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर द रिलीज इज। एक लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है आपकी, ठीक है, कितने एक्सेलरेशन से, ए से। आपने स्टोन को, आपने स्टोन पकड़ा हुआ था, स्टोन हाथ बाहर निकाल लिफ्ट से और छोड़ दिया, जब तक आप ऊपर जा रहे थे तो लिफ्ट आपका लिफ्ट पे लिफ्ट जो आपकी अब तक ऊपर एक्सेलरेट हुई थी, आप भी ऊपर जा रहे थे और स्टोन भी जा रहा था ऊपर, क्योंकि स्टोन जो था लिफ्ट के या आपके कॉन्टेक्ट में था। जैसे ही आपने स्टोन को छोड़ा है क्या आप उसका लिफ्ट से कोई लेन देना रह गया, सुनो आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, सुनो वो आगे की तरफ निकल रही है, कब तक वो एक्सेलरेट होगी, जब तक आप उसके कॉन्टेक्ट में टच में, तभी तक तो फोर्स लगा सकते हो। आपको आपको अब बॉक्स है, बॉक्स को घसीट रहा है ऐसे, ठीक है, कब तक वो एक्सेलरेट होगा, जब तक उसके ऊपर फोर्स लगेगा। जैसे ही आपने फोर्स को हटा दिया, जैसे ही आपने फोर्स हटा दिया तो तुरंत क्या होगा, एक्सेलरेट होना बंद, उसको जो वेलोसिटी मिल चुकी थी उसी वेलोसिटी से वो आगे पीछे बढ़ेगा। तो आप इसमें एलिवेटर में है, आपने स्टोन को पकड़ा हो तब तक उसके ऊपर फोर्स लग रहा था किधर, ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। जैसे आपने रिलीज किया जितनी वेलोसिटी देनी थी आप दे चुके, अब उसके ऊपर कौन सा फोर्स है, केवल और केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कुछ भी नहीं है उसके ऊपर। समझ में आ गई बात, ऐसा है कि आपने किसी बॉक्स को धक्का दिया और उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है अपने आप ही, आपने उसको हाथ हटा दिए, या आपने बॉल थ्रो किया और बॉल की स्पीड बढ़ती जा रही है, तो आंसर नहीं। आपने बॉल थ्रो करते हो फोर्स लगा दिया आपने, क्या उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, अब आंसर ना, क्योंकि फोर्स जैसे आपके हाथ से छुटी है बॉल, फोर्स लगना खत्म, फोर्स का नहीं खत्म, अब उसके ऊपर फोर्स है, कौन सा है, दूसरा फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो नीचे की तरफ है, और कुछ भी नहीं है उसके ऊपर। आपने उसको स्टार्ट, जब तक आपके हाथ में थी बॉल तब तक आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे थे, फोर्स अब लगा रहे थे जैसे ही बॉल ने कॉन्टेक्ट ने हाथ छोड़ा, हाथ और बॉल का अलग अलग हुई बॉल और हाथ, तो क्या होगी कहानी, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाना कर दिया बंद। अब उसके ऊपर फोर्स कौन सा, केवल और केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, और कोई सा फोर्स नहीं है, तो आंसर क्या होगा, डी फॉर डेली मीन जी डाउनवर्ड, ठीक है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। बेटा पहले आ चुका है नीट में 2003 और 2006 में, जब CBSE PMT वगैरह नाम होते थे इनके। क्या कह रहा है, टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मास, मास दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट ए एंड बी, दो अलग अलग हाइट से इसको ड्रॉप किया गया। ए की हाइट मान लेते हैं यहाँ पर ए है, दिस इज हाइट ए, और दूसरा कहीं पर इधर है आपका बी हाइट पर, ए बी हाइट मान लेते हैं, ठीक है, दिस इज बी, और यहाँ से यहाँ तक के मान लेते हैं। तो पूछा क्या गया है, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई दी टू टू कवर दीज डिस्टेंसेज, कितना टाइम लगेगा इनको डिस्टेंसेज का रेशियो पूछा गया है। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा मास का कोई लेने देने नहीं है तीनों मोशन की इक्वेशन में, कोई रोल प्ले नहीं करता है आपका, क्या आपका मास, ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हो। टाइम टेकन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, टाइम और डिस्टेंस कौन से फॉर्मूले में रिलेट रहते हैं, सर सेकंड फॉर्मूला में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्स स्क्वायर, हम वही पुट कर लेते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस ड्रॉप की गई तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, सर जीरो होगी इनिशियल वेलोसिटी, आगे ना, तो आप कह सकते हैं एस इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर, तो S पहले वाले को A मान लेता हूँ, S A डिस्टेंस ट्रेवल बाई A कितनी है, A ही है सर, इक्वल टू 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना, जी सर, T A मान लेता हूँ, तो यहाँ से T A will be equal to 2A/G, 2A/G, रूट में ये जाकर मल्टीप्लाई हुआ, जाकर डिवाइड में इसका रूट ले लिया। इसी तरह T B कितना हो जाएगा, वो वाला टी भी नहीं बेटा, बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस की बात नहीं कर रहे हैं, टू बी अपॉन जी हो जाएगा। इसने पूछा है रेशियो कितना होगा, टाइम टेकन बाई ए
टू द टाइम टेकन बाई बी विल बी इक्वल टू, देखिए जी से जी कैंसिल हो जाएगा रेशियो में, रूट रूट तो हटेगा नहीं, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा रूट ए इज टू रूट बी। ठीक है, डी फोर डेली इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन में क्या गया है नेक्स्ट में। अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है, ऑफ हाइट एच, एक टावर है जिसकी हाइट एच है, यहां से एक किसको बॉडी को रिलीज किया गया है। इट रीचेज द, इट टेक्स टी सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड में पहुंचने में टी सेकेंड लग रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका नीट में पहले आ चुका है। ठीक है, वेयर विल बी दी बॉल आफ्टर टी बाई टू सेकेंड, टी बाई टू सेकेंड पर के बाद, भाई टी सेकेंड तो उसको टोटल लग रही है नीचे तक पहुंचने में। ठीक है, पूछा गया है कि टी बाई टू सेकेंड के बाद कितना होगा, तो कुछ बहुत सारे बच्चे कहते हैं अच्छा इतने में टी में एच गया है तो टी बाई टू में हाफ जाएगा, तो टिक कर देते हैं ए, ए आंसर नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचना, क्योंकि बेटा बेटा बॉडी एक्सेलरेट होती है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, अगर वो पहली एक सेकंड में 10 मीटर चली थी तो अगले एक सेकंड में ज्यादा चलेगी उससे, अगर एक्सेलरेट हो रही है तो। ठीक है सर, ठीक है बेटा, ओके। तो एच हाइट अब देखते हैं, हमें पता है एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है, बिल्कुल सर। अब इनिशियल वेलोसिटी जब रिलीज की गई तो जीरो होगी, और एस कितना है, एच हाइट पूरा ट्रेवल करता है कितने टाइम में, टी टाइम में, तो हाफ ए टी स्क्वायर, एच इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर है। ठीक है, बिल्कुल सर, एच इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर है। अच्छा जी, तो अब पूछा क्या हमसे, हमसे पूछा है टी बाई टाइम में कितना होगा, सपोज करो एस डिस्टेंस चल रही है टी बाई टू में, तो उसके लिए क्या लिखोगे, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपको बताया यूटी तो जीरो है, तो एस इक्वल टू वन अपॉन टू, कितने टाइम पूछा है टी बाई टू में पूछा है, तो ए टी बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसे मुझे कैलकुलेट करना है कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू ए टी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं मैं, इसको इक्वेशन सेकंड, इसको और थोड़ा ठीक से लिखे तो ऐसे लिख सकता हूँ वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर बाई टू टू जा फोर, इसको होल स्क्वायर को यहाँ पर, बिल्कुल सर। और इसकी वैल्यू देखने जरा फर्स्ट इक्वेशन से क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर कितनी है एच, तो एस कितना आ गया एच बाई फोर, एच बाई फोर डिस्टेंस चलेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, ये भी नहीं है। क्यों सर, आंसर तो आ गया एच बाई फोर, ध्यान सोचो क्या लिखा है इसने, एच बाई फोर फ्रॉम द ग्राउंड, नहीं 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 ग्राउंड से नहीं, आपका जो टावर था बेटा यहां से यहां तक तो जो चला है टोटल हाइट का एच बाई फोर चला है टी बाई टू सेकंड में, यहां से डिस्टेंस है एच बाई फोर, तो समझ आई बात, एच बाई फोर यहां से है, बच्चे ये भी गड़बड़ करेंगे, देखेंगे इसको अच्छा एच बाई फोर आ गया उठा के टक्कर दिया, क्या लिखा है ना फ्रॉम द ग्राउंड, अगर यह लिखता फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर तब सही था, यहां से एच बाई फोर ट्रेवल किया इसने, तो टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट है सर एच, ये वाली कितनी है एच बाई फोर, तो ये ग्राउंड से कितनी हो जाएगी एच माइनस एच बाई फोर मीन्स थ्री एच बाई फोर। ठीक है, तो ऑप्शन डी फोर डेली इज द करेक्ट। ठीक है पहले, जो थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना है क्वेश्चन को तब आगे बढ़ना है। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है, बेसिक कंसेप्चुअल चीज़ों की छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है। आज के लिए यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और मुस्कुराते रहिए।